सर दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों आज हम फिर आ चुके हैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल 13 अप्रैल 2021 के जीएस के क्वेश्चन, ठीक है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। हमने इस तरह से पूरी पुष्टि कर ली है, और अगर एक आधी कोई क्वेश्चन अगर मिस हो भी जाए तो यार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि आपको 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए। ये आपके यानी कि एसएससी सीएचएसएल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 2021 के लिए, ठीक है। इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, शायद लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि लियोनल मेसी किस देश से हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। लियोन मेसी अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं, ठीक है, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है, और यहाँ घास के मैदान को वहाँ का हृदय बोला जाता है, जिसको पंप घास का मैदान भी कहा जाता है। अर्जेंटीना और चिली के बीच में एंडीज पर्वतमाला पड़ती है, जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, तो इसको भी जरूर देखे जाना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। आंसर हो जाएगा आपका पर्शियन, यानी कि बाबरनामा पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। और ये भी है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने उसको उसका फारसी अनुवाद किया था, और अब्दुल रहीम को अकबर ने उपाधि दी थी किस चीज़ की, यानी खान खाना की उपाधि दी थी, ठीक है, अब्दुल रहीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ कैनेडा पूछा था, आंसर हो जाएगा ओटावा, ठीक है, यानी कि कैपिटल ऑफ कैपिटल एंड करेंसी भी अब आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए पढ़ के जानी है, ठीक है, जरूर देख लेना, ठीक है। और कोशिश करना कि आसपास की जितनी हो कैपिटल और करेंसी वो तो आपके पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम्बाला फेस्टिवल जो होता है उत्सव होता है वो क्या वो कहाँ का है, वो है कर्नाटका, ठीक है। ये कम्बाला अभी बहुत चर्चित था, जिसके अंदर क्या करते थे, भैंसे दौड़ाते थे, ठीक है, यानी कि भैंसे दौड़ाते थे, और इसके अंदर एक व्यक्ति था जो बहुत ही फेमस हो गया था। उस क्यों हो गया था, क्योंकि भैंसे को, ठीक है, एक इस तरह से नाला होता है उसमें दौड़ाया जाता है, और वहाँ पे उतना जो उसकी जो टाइमिंग आई थी वो 9.75 सेकेंड आई थी कुछ, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये कम्बाला रेस थी बहुत ज़्यादा चर्चित आ गई थी, फेमस हो गई थी और लोगों की नज़रों में आ गई थी, ठीक है, ठीक है। भैंस जाती है, मतलब भैंस की एक रेस होती है, ठीक है, कर्नाटका में आयोजित की जाती है। परंपरागत रूप से यह स्थानीय तलुआ जमींदारों और कर्नाटका के तटीय जिलों और कर्नाटका के उडुपी और केरल के कासरगोड जैसे सामूहिक रूप से तुलुनाडु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो जलीकट्टू है वो कहाँ से संबंधित है, वो है तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 123, यानी कि 123 के अनुच्छेद के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसी के साथ में जो 213 आर्टिकल के थ्रू गवर्नर अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं राज्य के। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि किस विटामिन की कमी से नपुंसकता होती है, यानी कि स्टराइल, यानी कि बंजर, ठीक है, विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बागलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, ठीक है, ये है आपका चिनाब नदी पे, आंसर हो जाएगा इसका, चिनाब नदी पर स्थित है। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी हैं कि चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज बन रहा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज होने वाला है, ठीक है, अभी बन रहा है, काम चल रहा है, और सलाल और दोहिस्ती भी चिनाब नदी पर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे युवा मेयर का नाम बताओ क्या है। आर राजेंद्र सबसे युवा मेयर है, जो कि केरल से संबंधित है, ठीक है, केरल से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में सबसे पहला वोट किसने किया था, ये किया था आईटीपीपी के एक सिपाही थे, उन्होंने किया था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और इनका नाम था श्याम शरण नेगी कुछ इनका नाम है, ठीक है, यानी कि श्याम शरण नेगी इनका नाम है, इन्होंने ही वोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलाग पुरस्कार हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया है, ठीक है, मूलाग पुरस्कार है ये दिया गया है अजिंक्य रहाणे को, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है ये खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो हावर चलाया था, जो कि 1942 में चलाया गया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, वो हुई थी 1931 में, ठीक है, 1931 में हुई थी, और इसी में क्या हुआ था, इसी के अंदर जो गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, गांधी जी ने भाग लिया था
गांधी जी ने भाग लिया था यानी कि सेकंड राउंड टेबल में, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बाद क्या था, 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा भी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, अल्टीमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज किया लोगों को, ठीक है। ये आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये है मोनिका अली, एक तरीके का ये नोवल है, ठीक है, ये नोवल है और मोनिका अली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। ये ईयर नहीं है, ये डिकेड है, ठीक है, यानी कि दशक, यानी कि दशक का जो सबसे अच्छा प्लेयर है वो किसे चुना गया है, वो है महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, आपका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने और असम में मणिराम दत्त ने और कानपुर में तात्या टोपे ने और झांसी की रानी ने नेतृत्व किया था। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये हुआ था बैरकपुर, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बैरकपुर मेरठ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नायब अखुदाई किसे कहा गया है, बलवन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार को अलग करता है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसी के साथ में डंकन पैसेज भी पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। डंकन पैसेज लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करता है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 19वां क्वेश्चन है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 किससे संबंधित है, ठीक है। इसमें जो वोटिंग की जो आयु थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, स्टडी ऑफ मैप्स, यानी कि जो मैप्स की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन आपको हमने प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके अंदर फर्जी है, कोई फर्जी नहीं है, ठीक है, ऑथेंटिक है। बाकी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, और कुछ फर्जी हो, कुछ आपको गलत लगे तो उसके लिए भी जरूर बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के लिए, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जरूर यार, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी जरूर कर लेना।